खबर गाजीपुर से है, जहां नकली नोट बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने इस मामले में गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि रविवार को स्वाट सर्विलांस व थाना अध्यक्ष खानपुर की संयुक्त पुलिस टीम ने नकली नोट बनाने व नोटों को बाजार में सप्लाई करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ किया। इस मामले में गाजीपुर के SP ओमवीर सिंह ने क्या कहा, सुनिए। थाना खानपुर पुलिस को ये सूचना विगत कुछ दिनों से प्राप्त हो रही थी कि उनके थाना क्षेत्र में कुछ नकली नोटों का प्रचलन है। कुछ लोगों ने शिकायत की, क्योंकि ये गंभीर विषय होता है जो पूरी व्यवस्था को, वित्तीय प्रबंधन को भी ध्वस्त करता है, लोक व्यवस्था पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालता है। जब इसकी गहराई से छानबीन की गई, क्योंकि ये विषय गंभीर होने के कारण इसमें स्वैट सर्विलेंस को लगाया गया तथा थाना खानपुर और क्षेत्राधिकारी सैदपुर, SP सिटी, सभी लोग इसमें पूरे मनोयोग से लगे। और जब इसे ट्रेस किया गया तो इसमें पूरा ये खुलासा निकला कि एक शिव कुमार नाम का व्यक्ति इस पूरे खेल में पाया गया, जो मास्टरमाइंड था। जब शिव कुमार की तहकीकात की गई तो शिव कुमार इसका छदम नाम था। ये विजय भारती नाम का व्यक्ति है जो इसका असली नाम है, और ये सिधौना सैदपुर जो पड़ता है थाना खानपुर क्षेत्र में, वहाँ का मूल निवासी है। लेकिन लगभग 25-30 साल पहले ये अपना पढ़ा लिखा आदमी है, काम धंधे की तलाश में निकल गया था तथा इसने एक NGO बना के LIC के साथ काम किया तथा उसमें इसके द्वारा भारी फ्रॉड किया गया। आज भी, अभी इलेक्शन से पहले, जब अन्य स्टेटों से हम लोगों की अपराधियों की सूचियों का आदान प्रदान हुआ तो लगभग 13 जनपदों में वहाँ से ये विभिन्न अभियोगों में इसका नाम दर्शाया गया था कि ये वहाँ वांछित चल रहा है। यहाँ पे, क्योंकि इस समय इसके द्वारा बताया गया 2016 में करीब 3-3.5 साल ये जेल में रहा। 19 के बाद जो भी अपराध इसने किए उन सब में ये फरार चल रहा था और अपना नाम बदल के, आज तक इसने अपना आधार कार्ड नहीं बनवाया, लेकिन 4 आधार कार्ड हैं जो इसके फोटो लगे हुए हैं, उन सब का इस्तेमाल करता है। अभी भी ये बैंकों से लोन कराता है, वाहनों का लोन कराता है, छदम नाम पे कराता है। वो गाड़ी सहित वो आदमी बैंक वाले ढूंढते रहे, क्योंकि असली नाम से कुछ करता ही नहीं है। मतलब इट इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फ्रॉडेस्टर ऑफ दिस एरिया, सबसे बड़े फ्रॉडेस्टर मैं इसे मान सकता हूँ। अब इसकी थोड़ी आर्थिक स्थिति सही नहीं चल रही थी, इसके द्वारा बताया गया इसका एक स्कूल जो डालिम सनबीम है चौबेपुर में, इसी का एक पार्टनर था कोई, गुड्डू पांडे उर्फ चंद्र किशोर या कोई नाम बता रहा था, उसके द्वारा उसको कब्जा कर लिया गया है। एक और इसका महनाजपुर आजमगढ़ में डालिम सनबीम है, जहाँ पर ये नोटों को छापने का काम करता था। जब इससे पूछा गया कि इस काम में क्यों लगा तो इसके पास कुछ टेक्निकल लड़के थे जिन्होंने इसे बताया कि इस काम में काफ़ी बिना अधिक खर्च किए काफ़ी मुनाफा है, इसलिए इसने ये जाली नोट छापने का काम शुरू किया। इसके द्वारा पूछताछ में जो आया है, इसे ना केवल आसपास के जनपदों में वरन आसपास के प्रदेशों में भी इसके द्वारा सप्लाई की गई थी। इस पूरे मामले में 3 लोग पकड़े गए हैं, ये 2 लोग जो इसने लगा रखे थे मार्केट में सप्लाई करने के लिए। अभी भी इसमें कुछ लिंक हैं पुलिस के पास, आगे की भी कार्रवाई इसमें चलती रहेगी, लेकिन आज इसे जेल भेजा जा रहा है। इसके पास से प्रिंटर और 99,000 के करीब इस पर फेक करेंसी मिली है। साथ ही जो अन्य प्रदेशों से इसके वारंट आए हुए हैं, वहाँ की पुलिस को भी बताया जाएगा, वो भी अपने मुकदमों में इसके खिलाफ न्यायोचित कार्रवाई कराएं।
सर 13 जनपदों में इसको खोला जा रहा है, मतलब केवल प्रदेश के हैं या अन्य प्रदेशों के हैं, और कितने का अब तक फ्रॉड कर चुका है सर? ये पहले इसने LIC, जैसा मैंने बताया कि इसने एक ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास संस्थान के नाम से एक NGO चलाता था, उसका इसने LIC से टाई अप किया था। उसमें इसने करीब बता रहा है कि 2200 एम्प्लॉय इसके संस्थान में थे, और एक समय ये इंडिया का लीडिंग LIC एजेंटों में था। लेकिन जब आदमी की मति मारी जाती है और गलत कार्य करने के लिए प्रेरित होता है, तो उसी का नतीजा था कि वहाँ इसने भारी भरकम कुछ से कमीशन लिया, फ्रॉड किया। इसीलिए करीब 13 जनपदों में जानकारी ये बता रहा है कि इसके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत हैं, और वहाँ से जो करोड़ों रुपए लाया था उसी के द्वारा इसके द्वारा 3 स्कूलों का संचालित किए जा रहे हैं। प्रचालित जी।